पिचोर मुक्ति धाम पर बाबा महाकाल आरती के साथ दीपदान कार्यक्रम हुआ संपन्न। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पिछोर के समाज सेवी नवांकुर संस्था मातृभूमि जन कल्याण सेवा समिति द्वारा मुक्ति धाम पर 500 दीप जलाकर बाबा महाकाल की आरती के साथ ही दीपदान कार्यक्रम संपन्न किया गया। दीपदान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों के नाम दीप दान करने मुक्ति धाम पर पहुंचे। सभी ने मिलकर बाबा महाकाल की आरती की। दीपदान कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए संस्था संचालक समाज सेवी रजनीश तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से संस्था आयोजित कर रही है। हर वर्ष संस्था मुक्ति धाम पर साफ सफाई का काम करती है और छुट्टी दीपावली पर दीपोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न करती है। इसी तरह आज पिछोर नगर के लोगों ने मुक्ति धाम पहुंचकर अपने अपने पूर्वजों को याद रखते हुए दीपक रखे। पिछले 10 वर्षों से लगातार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। श्री गणेशी लाल ने बताया कि हम लोग हर वर्ष इसी तरह से मुक्ति धाम पर आते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं और मुक्ति धाम पर दीप जलाते हैं। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पडरिया, गणेशी लाल पडरिया, नंदकिशोर चौरासिया, संजीव छिरोया, सत्येंद्र राजभट, पुरुषोत्तम सूनी, डॉक्टर ब्रह्म तीर्थ चौबे, नरेश राठौर, विद्या शंकर पुरोहित, जितेंद्र व्यास, प्रमोद तिवारी, संतोष कैलाश, सचिन राजभट, संजीव पराशर, राकेश सोनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संवाददाता सचिन राजभट की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मैं गणेशी लाल बड़ेरिया। अच्छा, आज दीपावली के मौके पर, छोटी दीपावली पे यहाँ मुक्ति धाम पर दीप जलाए सभी ने। ये दीप हर साल जलाए जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हम सभी बंधु जन यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने अपने पितृपुरुषों के निमित्त उनकी याद में दीपदान करने के लिए। दीपदान की ये प्रक्रिया गत कई वर्षों से यहाँ चल रही है और सामूहिक रूप से सभी यहाँ आते हैं और पितृपुरुषों की याद में उनको दीपदान करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी आशीर्वाद, उनका उनकी कृपा सभी लोगों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं।